आइए जानते हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के आज दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों को। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उत्तर प्रदेश के अमेठी में अभी युवक के पीठ पर लादकर अस्पताल में जाती महिला का फोटो वायरल, जांच के आदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में सोशल मीडिया पर एक युवक को पीठ पर लादकर अस्पताल में ले जाती महिला का फोटो वायरल होने लगा है। यह फोटो जिला अस्पताल गौरीगंज का बताया जा रहा है। फोटो वायरल होने के बाद डीएम ने जांच के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने कहा है, अप्रैल मई तक कराएंगे निकाय चुनाव, विधायक सांसद रखें तैयारी। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार आगामी अप्रैल मई तक हर हाल में निकाय चुनाव कराएगी। विधायक और सांसद निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज मंडल के भाजपा सांसदों और विधायकों से संवाद किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने विधायक और सांसदों को आपसी सहयोग, समन्वय और संपर्क से लोकसभा चुनाव में सभी सीटें जीतने का मंत्र दिया है। उत्तर प्रदेश में भूमाफिया पूर्व विधायक पर कसता शिकंजा, भाई मारूफ को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां, प्रदेश के टॉप 10 भूमाफिया एवं अपराधी उतरेला के पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी के भाई मारूफ अनवर हाशमी को पुलिस ने अभी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मारूफ जिले के टॉप 10 भूमाफिया व अपराधी है। इसके विरुद्ध थाना सदुल्लाह नगर में गैंगस्टर एक्ट व SSC ST एक्ट के साथ साथ IPC की अन्य गंभीर धाराओं में 19 मुकदमे दर्ज है। इसमें भी अवैध रूप से कई संपत्ति अर्जित की रखी है। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति का स्टिकर कितना महंगा, 48% तक महंगी हो गई किताबें। जी हां, उत्तर प्रदेश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का स्टिकर लगाकर किताबों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी गई है। ये वृद्धि एक दो नहीं बल्कि 16 से 48% तक की गई है। फिलहाल इसका दायरा कक्षा 1 से 8 तक का है। इसका कारण कागज की कीमतों में वृद्धि बताया जा रहा है। यही नहीं, सत्र 2023 और 2024 में पब्लिक स्कूलों के बच्चों को जो किताबें दी जाएंगी उसका भी बदला होगा। स्कूलों के पास नमूने के रूप में किताबें पहुंचने भी लगी हैं। जहां नहीं पहुंची हैं वहां प्रकाशकों से स्कूल संपर्क कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी पर फिर भारी पड़ा ब्रजेश सिंह, चर्चित उसरी चट्टी कांड में वादी से बना हत्या का आरोपी। जी हां, पूर्वांचल में माफिया मुख्तार अंसारी और डॉन ब्रजेश सिंह के बीच 3 दशक से जारी वर्चस्व की जंग लगातार जारी है। 2 दशक तक ब्रजेश सिंह पर भारी पड़ता रहा मुख्तार अंसारी, अब लगातार उससे चोट खा रहा है। बताने की गाजीपुर के चर्चित उसरी चट्टी कांड में भी मुख्तार अंसारी पर ब्रजेश सिंह भारी पड़ गया है। जिस केस में खुद वादी बनकर मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह को आरोपी बनाया था, अब मुख्तार अंसारी खुद आरोपी बन गया है। मुख्तार अंसारी पर ही हत्या का केस दर्ज हो गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में G20 सम्मेलन से पहले मुंबई के तर्ज पर दौड़ेंगी ट्रैफिक जाने तैयारी। जी हां, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 10 फरवरी से आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन से पहले मुंबई के तर्ज पर ट्रैफिक कंट्रोल करने की तैयारी शुरू हो गई है, ताकि देश विदेश से आने वाले मेहमान लखनऊ के भीषण जाम से बच सके। दरअसल लखनऊ में सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अक्सर कई जगहों पर जाम की समस्या देखी जा रही है। अब इस समस्या का समाधान होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में रोडवेज बस का किराया अब बढ़ेगा, जानिए कितना महंगी हो जाएगी यात्रा। जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। आलम यह है कि रोडवेज अपने फिक्स डिपॉजिट तोड़वाकर कर्मियों को वेतन बांट रहा है। बताने की वित्त नियंत्रक ने शासन को पत्र भेजा है, जिसमें 25 पैसा प्रति किलोमीटर प्रति यात्री बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। यह भी कहा गया है कि किराया तत्काल नहीं बढ़ाया गया तो राजकोषीय घाटा और बढ़ेगा और परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। अप्रैल से दिसंबर तक की बात करें तो 2022 तक रोडवेज का नुकसान 210 करोड़ था और मार्च तक बढ़कर 250 करोड़ पहुंचने जाने की संभावना जताई जा रही है। पूर्व MLC हाजी इकबाल पर कसता शिकंजा, 32 लाख रुपए हड़पने के मामले में चार्जशीट दाखिल। जी हां, एक बार फिर से पूर्व MLC हाजी इकबाल पर पुलिस ने और ज्यादा शिकंजा कस दिया है। 32 लाख रुपए हड़पने के मामले में पुलिस ने हाजी इकबाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसके साथ ही कई अन्य मामलों में भी आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी में है। पुलिस के मुताबिक जून 2022 में पूर्व MLC हाजी इकबाल और उनके परिजनों के खिलाफ मिर्जापुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
उत्तर प्रदेश में सीएम योगी सिटी गोरखपुर को मिली अब तक 50,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, 50,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हाँ, अकेले गोरखपुर की बात करें तो निवेश के 50,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। इसमें 50,000 लोगों को रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जिला प्रशासन, गीड़ा और उद्योग विभाग को जल्द ही उम्मीद है कि 10 फरवरी से शुरू होने वाले 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले तक गोरखपुर में निवेश प्रस्ताव का आंकड़ा 75,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका होगा। जल्द ही जिले में निवेशक सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब बच्चों को मिलेगी फ्री ड्रेस, अभिभावकों के खाते में भेजे जाएंगे रुपए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों के कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को 5 साल बाद इस बार निःशुल्क ड्रेस मिलने की उम्मीद जगी है। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद को इस बारे में पेश आ रही सभी कठिनाइयों को दूर करने का आश्वासन दे दिया है। बताने की अगर ये कठिनाई दूर हो गयी तो राज्य के 560 मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों की कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को भी बेसिक शिक्षा के सरकारी स्कूलों में इन कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों की तरह ही निःशुल्क ड्रेस मिलेगी। इसके साथ ही अभिभावकों के खाते में पैसे भी आएंगे। आम बजट में यूपी को एम्स, आईआईटी व आईएएम्स मिलना तय, कई और प्रस्ताव। जी हां, फरवरी में संसद में प्रस्तुत होने वाले 2023 और 24 के आम बजट में उत्तर प्रदेश सरकार को ढेरों अपेक्षाएं हैं। केंद्र सरकार ने इन अपेक्षाओं को पूरा किया तो यूपी को 1 एम्स, 1 आईआईटी और 1 आईएम मिलना तय है। इसके अलावा सड़क, सिंचाई परियोजनाओं के साथ ही रोजगार सृजन वाली योजनाओं में यूपी को आर्थिक हिस्सेदारी मिलने की उम्मीद की जा रही है। 2024 आम चुनाव को देखते हुए यूपी की इन अपेक्षाओं को केंद्र सरकार अमली जामा पहना सकती है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के सामने ज्यादा मजबूत साबित हो रहे हैं कसरत करने वाले लोग। दिमाग में फितूर नहीं भर सका वायरस। जी हां, कसरत करने से तन ही नहीं बल्कि मन भी मजबूत होता है। कोरोना के दौर ने इसे साबित भी कर दिया है। सामान्य मरीजों के मुकाबले कसरत करने वाले लोगों को देखा जा रहा है तो मानसिक तौर पर ज्यादा मजबूत साबित हुए हैं। वहीं संक्रमण से उबरने के बाद उन्हें मानसिक बीमारियां कम हुई हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग के रिसर्च में यह साबित हुआ है। बजट 2023 आम चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट में सरकार का किस ओर है फोकस, जानिए आप भी। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल बजट पेश करने के बाद कहा था कि बजट वित्तीय विकास पर केंद्रित था, लेकिन नौकरी या रोजगार सृजित करने पर ज्यादा जोर नहीं दिखाई दिया। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट में मोदी सरकार 1 फरवरी को लोगों को रोजगार की सौगात देना चाहती है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जहां बेरोजगारी को मोदी सरकार के खिलाफ एक हथियार बनाया गया है, वहीं इस बार के बजट में रोजगार का भी जिक्र किया जाएगा। 26 जनवरी को लॉन्च होगी नाक से दी जाने वाली इनकोवैक कोरोना वैक्सीन, ये रही फाइनल कीमत। जी हां, देश की पहली नाक से देने जाने वाली वैक्सीन इनकोवैक्स गणतंत्र दिवस के दिन लॉन्च होने जा रही है। भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कृष्णा एला ने यह जानकारी दी है। बात करें दोस्तों इसके दाम की तो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा खरीदने के लिए इनकोवैक की कीमत 325 प्रति खुराक और निजी टीकाकरण केंद्रों में 800 होगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्यसमिति की बैठक में बोले सीएम योगी, मोदी है तो मुमकिन है वैश्विक मंत्री बन गया है। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित प्रदेश भाजपा की कार्यसमिति की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया गया और गुजरात में भाजपा की 7वीं बार रिकॉर्ड तोड़ जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की गई। मुख्यमंत्री योगी ने इस दौरान कहा है कि आज पूरी दुनिया कौतूहल और आश्चर्य की नजर से भारत की तरफ देख रही है। G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है, जो कि दिखता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। मोदी है तो मुमकिन है अब वैश्विक मंत्र बन गया है। क्या दोस्तों आप भी सीएम योगी की बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 10वीं के छात्र की दिल के दौरे से हुई मौत, स्कूल से लौटने के बाद सोया तो फिर नहीं उठा। जी हां, उत्तर प्रदेश के अमरोहा में स्कूल से घर लौटने के बाद 10वीं कक्षा के छात्र 14 वर्षीय देवांश चौधरी का दिल का दौरा पड़ गया है। एक निजी स्कूल का छात्र देवांश पिता सुशील के साथ शिक्षक से मिलने गया था। स्कूल में परीक्षा की तैयारी को लेकर बैठक बुलाई गई थी। उत्तर प्रदेश में 12वीं पास युवाओं के लिए सीआरपीएफ में नौकरी, 15 साल के हैं तो रेलवे में नौकरी का मौका। जी हां दोस्तों, बता दें कि 15 साल के 10वीं पास वो युवा जो नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए साउथ सेंट्रल रेलवे में नौकरी है। सिलेक्टेड युवाओं को 25,000 मिलेगी सैलरी। वहीं 21 साल से 40 तक के युवाओं के लिए MP लोक सेवा आयोग में मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्तियां हैं। सिलेक्ट होने पर 39,100 रुपए तक सैलरी मिलेगी।
उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट, शीतलहर के बीच कड़ाके की ठंड के आसार, कश्मीर की बर्फबारी का दिखा असर। जी हां, कश्मीर में बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खासकर तराई क्षेत्रों में बारिश होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि 23 जनवरी से मौसम में फिर से परिवर्तन आएगा और दिन में बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी और 24 से 25 जनवरी को बारिश भी होगी। बारिश के बाद एक फिर से तापमान में गिरावट हो सकती है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। उत्तर प्रदेश में ईपीएस 95 पेंशनर्स ने मांगों को लेकर भरी हुकार। औरैया में डीए और फ्री मेडिकल सुविधा समेत कई मुद्दे उठाए, आंदोलन की दी चेतावनी। जी हां, उत्तर प्रदेश के औरैया में ईपीएस 95 पेंशनर्स के अध्यक्ष केपी वर्मा के नेतृत्व एवं अशोक कुमार यादव के संयोजक में शहर के एक गेस्ट हाउस में मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पेंशनरों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हुकार भरी। उत्तर प्रदेश के भदोही में 47 गांव स्वच्छ भारत मिशन के तहत चयनित। 9.21 करोड़ खर्च कर कराए जाएंगे कई तरह के कार्य, ग्रामीण को होगा बड़ा लाभ। जी हां, उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में गंगा किनारे सटे 47 गांव को स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत चयनित किया गया है। इन गांव में 9.21 करोड़ रुपए खर्च कर कई तरह के कार्य किए जाएंगे। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों के 47 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। खबरों में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। खबर को पहली बार देख रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा लें।